हाय गाइस, दिस इज जिया। यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं लेके हाजिर हूँ एक और अच्छी जॉब अपडेट्स। आज की जो जॉब होने वाली है वो एक अलग ही हटके होने वाली है। ये जो जॉब है वो सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ हाउस वाइफ के लिए। बहुत ही अच्छी जॉब्स है और बहुत ही अच्छी हेल्पफुल जॉब्स। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, एंड तक देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन को टच कर ले, ताकि इसी तरह हम लोग आप लोगों के लिए नई नई जॉब के अपडेट्स लेके आए, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, हमेशा की तरह कि हम लोगों का जनवरी से बहुत ही अच्छा प्लान लॉन्च होने वाला है आप लोगों के लिए, जो कि बिजनेस ग्रोथ प्लान के नाम से जो है आपको रहेगा। आपको आपका जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है उससे थोड़ा कहीं अधिक हाई सैलरी वाली जॉब्स हम लोग आप लोगों के लिए लेके आने वाले हैं। उन्हीं लोगों के लिए जो हम लोगों की कंपनी के थ्रू कहीं पे ज्वाइनिंग है, ये वो बेनिफिट जो है उन्हीं लोगों को मिलने वाला, तो उसको मिस मत कीजिएगा, आने वाली अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है आपका हाउस वाइफ के लिए। अब ये वीडियो देख के काफी लोग कमेंट्स करेंगे इसमें कि सर आप ये जॉब लेके आते हैं, आप वो जॉब लेके आते हैं, हमने ऐसा कौन सा पाप किया जो हम लोगों के लिए जो पैकिंग का जॉब नहीं लेके आते हैं। एक्चुअली देखिए ऐसा दोस्तों कि अभी के टाइम में नवंबर से लगाकर दिसंबर जो कंपनियां रहती हैं, दीपावली के बाद थोड़ा जो है मार्केट ठंडा हो जाता है। उससे क्या रहता है कि जो इंक्वायरीज आती है वो इनसाइडली इंक्वायरीज आती है। इनसाइडली इंक्वायरी में क्या रहता है कि 5 कैंडिडेट 10 कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, वो अपने से फिल होती है। जहाँ पे बल्क हायरिंग रहती है, 200 कैंडिडेट्स की 500 कैंडिडेट्स की जरूरत है, वहाँ पे हम लोग जो वीडियो बना के डालते हैं, तो वो वीडियो जो है आप लोगों तक पहुँचता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक चैनल को अगर फॉलो करके रखेंगे तो उसमें आपको डेली अपडेट मिलता रहता है। तो गाइस, ये जो जॉब होने वाली है आपकी, ये जो जॉब होने वाली है वो मार्केट में सेल्स की होने वाली है, वुमेन्स के लिए डोर टू डोर जॉब्स। ये वीडियो और ये जॉब मैं एक लास्ट अराउंड मेरे हिसाब से 1 साल भर पहले ये जो डाला था वो अभी चल रहा है। 3 साल से ये जॉब चल रही है। इसमें हमारी कंपनी जो है अलग अलग एरिया कवर करती है। आज लाइक जो है बेंगलोर में जयनगर हो गया, कल जेपी नगर हो गया, उसके बाद जो है बनारकटा रोड हो गया, उसके बाद HSR लेआउट हो गया, तो एक एक अलग अलग एरिया कवर करती है। उस एक एरिया में एक एक गली एक एक मोहल्ला वो लोग विजिट करते हैं। उसमें क्या चाहिए कि एक लेडीज लोगों का टीम चाहिए जो हाउसवाइफ रहती है। हाउसवाइफ में आपकी चाहिए 30 है, 35 है, 40 है, या फिर 50 भी क्यों ना है, तो भी इस जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ हार्ड काम रहता नहीं है, टाइमिंग भी बहुत अच्छा रहता है इसमें। हार्ड काम बोले तो आपको सिर्फ डोर टू डोर विजिट करके कंपनी का वो प्रोडक्ट उस कस्टमर के सामने ले जाके एक्सप्लेन करना रहता है। अगर वो लेता है तो वेल एंड गुड, आप उसको देना है, नहीं तो उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उस प्रोडक्ट को आप अगर मार्केट में या फिर कहीं दुकान पे परचेज करते हो तो उसकी वैल्यू क्या रहती है, आप लोग जो देते हैं वो किस डिस्काउंट पे देते हैं, वही सब कुछ आपको अच्छे से समझा के भेजा जाता है, वही सब कुछ आपको वहाँ पे बोलना रहता है। वैसे ये जॉब्स में जब काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे बोलते हैं कि नहीं सर मैं ऐसा काम नहीं कर सकती, मतलब काफ़ी लड़कियाँ बोलती हैं, लड़के लोगों के लिए जॉब नहीं है क्योंकि मुझे पता है उनको शर्म आती है ये सब काम करने में। उन लोगों के लिए मेरे हम लोगों के पास जो प्रमोटर का जॉब है, स्टोर इनसाइड सेल्स का जॉब हम लोगों के पास अवेलेबल रहता है। ये जॉब सिर्फ और सिर्फ वुमेन्स के लिए, हाउसवाइफ्स के लिए, जो अपने घर का काम खत्म करके आराम से 10:30-11 बजे जॉब आ सकती हैं। उसके बाद 4:30 लास्ट ड्यूटी रहती है उनकी, 5 बजे आराम से अपने घर जा सकती है। अब मैं एक मान के चलूं कि 11 से लगाकर 5 बजे तक सिर्फ और सिर्फ 5 से 6 घंटा टाइमिंग रहती है। सैलरी इसमें आपको जो है पर डे के हिसाब से मिलती है। पर डे आपका जो है 340 रुपीज आपको दिया जाता है, 340 रुपीज पर डे।
340 रुपीज पर डे बोले तो एक महीने के हिसाब से दिया जाता है, लेकिन इसमें आप जितने दिन काम करते हैं उतने दिन आपका पेमेंट आता है। मान लो आप ज्वाइन हुए, आपने 15 दिन काम किया, तो 15 दिन का 340 रुपीज के हिसाब से कितना अमाउंट बनता है वो आपका आपके सैलरी में जो है अकाउंट में आपको क्रिएट कर दिया जाता है। मान लो आप 20 दिन घर पे चले गए और 20 दिन रहने के बाद वापस आने का मन हुआ तो ज्वाइन हो सकते हैं, वापस जॉब कर सकते हैं। तो इसलिए ये डे के हिसाब से, पर डे के हिसाब से फिक्स रहता है। इसमें हमारे पास कई कई जो है कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो दो दो साल से कंटिन्यू काम कर रहे हैं इसमें। उन लोगों को सबको जो है पूरा ऑल ओवर बैंगलोर पता है, वो सब जगह घूमे हुए हैं। ऐसे ऐसे के भी कैंडिडेट्स हैं हम लोगों के पास। तो ये जो लैंग्वेज इसमें कोई भी चलती है, लोकल वाले कैंडिडेट्स अगर चाहे कि जो है हमारे घर में कोई जो है काम वाली है या फिर हमारे पड़ोस में ऐसी कोई काम वाली है जिसको काम की जरूरत है, जिसको कहीं पे काम नहीं मिल रहा है या फिर जिसको कहीं पे जो है लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो रहा है या फिर जिसको कहीं पे काम से निकाल दिया गया, वो लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। अगर आपके आसपास में एक 20 लेडीज का ग्रुप है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसके लिए हमारी अलग से एक टीम है, वो टीम हैंडल करती है। आप कॉल करके उनका नाम बता सकते हैं कि हम लोगों के पास इतने लेडीज का ग्रुप है, आप आइए सर हमारे एरिया में जो है हम लोग ये करना चाहते हैं, तो उन्हीं के एरिया में वो जो है काम चालू रहेगा। यहाँ से हम लोग की टीम जाएगी एक वहाँ पे उनको अच्छे से ट्रेनिंग देगी कि एक्चुअल में आपको क्या बोलना रहेगा, वहाँ पे क्या एक्सप्लेन करना रहेगा, ऑफर क्या रहेगा, कितना डिस्काउंट रहेगा, वो सारा का सारा एक दिन का जो ट्रेनिंग प्रोसेस रहता है वो ट्रेनिंग प्रोसेस में अच्छे से आपको समझा दिया जाता है। आप चाहे बेंगलोर के कौन से भी एरिया में क्यों ना हो, आपका अगर ग्रुप है आपके नियर बाई में, आपके फ्रेंड सर्कल में 10 लेडीज, 20 लेडीज, 30 लेडीज, इवन तक 100-200 लेडीज भी चलेगी है, तो आप लोग हमें कॉल करके बोल सकते हैं। हमेशा की तरह फ्री जॉब है, जेन्युइन जॉब है और सेफ जॉब है। कहीं पर भी किसी को भी आपको ज्वाइनिंग के नाम पे और ज्वाइनिंग फॉर्म के नाम पे कहीं पर भी आपको कुछ भी एक भी रुपया देने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है कि सेफ जॉब है। ऑलरेडी हमारी टीम काफी टाइम से काम कर रही है इस प्रोजेक्ट पे और काफी कैंडिडेट्स भी ज्वाइन है इस प्रोजेक्ट में। तो ये सिर्फ और सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए है, ये पूरी अलग ही हट के जॉब है। तो गाइस बहुत ही अच्छी जॉब, बहुत ही अच्छी उम्मीद और बहुत ही अच्छी हेल्पफुल जॉब आप लोगों के लिए है। अब और गाइस एक और बात, कॉलिंग करने का टाइम हमेशा की तरह सुबह 10 बजे से लगाकर शाम के 5 बजे तक, नो सैटरडे कॉल, नो संडे कॉल और नो नाइट में कॉल। आप व्हाट्सएप चैटिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो हम लोगों के पास में और भी जॉब्स, बहुत छोटी छोटी जॉब्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, उस पर जो है नंबर देके आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा बल्क हायरिंग में हम लोगों के पास भी और भी जॉब्स चलती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। एक बार ऑफिस विजिट करेंगे तो आपको पूरी अपडेट उस वहां पर भी मिल जाती है। डरिए मत, कई कर ऐसे भी होते हैं कि ऑफिस विजिट करो कि जो है आपको जॉब मिलेगी, तो ऑफिस विजिट करने का मतलब है कि आपको जॉब मिलेगी लेकिन कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। जहां पे ऐसी ऐसी एजेंसियां, ऐसे ऐसे लोग से है, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसी ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत ही ज्यादा फ्रॉड करती है, बहुत ही ज्यादा लूटती है, 3,000, 5,000, 6,000 पता नहीं मतलब। और काफी ऐसे कैंडिडेट्स भी है जो हमारे पास कॉल करते हैं कि सर देखिए ये हम लोगों के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है, इतना इतना चार्ट बना के भेजा है एक्स वाई जेड कंपनी में और इतना चार्ज पूछती है, क्या करें। देख लो भाई, आपको जो आपकी मर्जी है वो कीजिए। मेरे हिसाब से कि जो है कहीं पर भी आपको पैसे दे के काम लेने की जरूरत नहीं है। आप गांव से आते हैं, मेहनत करते हैं, इसके बाद आप कितनी मतलब कितनी तकलीफ में आते हैं वो हम लोगों को ही पता है। उसके बाद अगर आप लोग से अगर 3,000, 4,000, 5,000 रुपये लिया जाता है तो एक मतलब एक अजीब सा कहता है नहीं भाई देखो वो जो कंपनियां करती है वो करने दो, हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को एक जागरूक के हिसाब से बोल रहा हूँ कि जॉब के नाम पे कहीं पर भी गाइस पैसा नहीं दे, कहीं पर भी एक भी रुपया नहीं दे, वो सब आपको लूटती है, सिर्फ आपको एक दिखावा करती है। हम लोगों के पास ये जॉब है, इतना पैसा दीजिए, यहाँ आइए, ये मिल जाएगा, ये फॉर्म लीजिए, ये टिकट लीजिए, ये बिल लीजिए। अरे क्या करेंगे आप लोग उन बिल का, वो टिकट का क्या?
क्या कर पाएंगे मुझे बताइए। 3-4 हजार रुपए मान लो, अगर 10 कैंडिडेट्स भी आपका ग्रुप है, 10 कैंडिडेट्स भी जो है 3-3 हजार रुपए मिला के अगर उस कंपनी को या एजेंसी को दिया जाता है तो 30-40 हजार रुपए बजट हो जाता है। 30-40 हजार की आप वैल्यू समझते हैं? अगर वही 30-40 हजार आप बेंगलोर में आके या फिर कहीं पर भी अपने स्टेज में रूम किराए लेके एडवांस देके रहते हैं तो आप अपने मन पसंद के हिसाब से नौकरी खोज पाते हैं। आपको कहीं पे किसी के जो है नीचे दबके रहने की जरूरत नहीं। आप 3 हजार देके भी क्या पता आपको कैसी जॉब मिले। उसके बाद हेडर एक बार आपका पैसे चला गया तो मतलब समझ लीजिए कि चला गया, आपको कोई वहां पे निकाल के देने वाला कोई भी नहीं है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो आपने 3 हजार दे दिया और 10 दिन के बाद जाके पूछे कि सर मुझे वो पैसा वापस दीजिए, मैं जॉब नहीं करना चाहता, मैं अगर लिख के देता हूँ वो अगर आपको पैसा रिटर्न देते हो, नहीं देंगे। क्योंकि वो इसी के ताक में रहते हैं, वो इसी के चक्कर में बैठे रहते हैं कि कब हम लोगों के पास ऐसा आदमी आए, कब हम उनसे पैसा लूटे और मन मर्जी के हिसाब से उनको नौकरी दे, काम दे। तो गाइस मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट आपसे है कि इन सब के चक्कर में नहीं पड़े। जेन्युइन एजेंसी, जेन्युइन कंपनी बहुत सारी रहती है बैंगलोर में, दिल्ली में, काफी जगह ऐसी जो कंपनी है जो फ्री जॉब्स देती है। आप हम लोगों के पास आइए, हम लोगों के पास कितनी जॉब्स अपडेट रहती है, हम लोग ट्राई करेंगे कि आपको कोशिश करेंगे कि आपके अकॉर्डिंग ही जॉब दिलवाए। अगर हम लोग के पास नहीं है तो थोड़ा दिन वेट कीजिए या फिर कहीं दूसरी भी एजेंसी या कंपनी रहती है जो फ्री की जॉब देती है, वहां जाइए, वहां ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ एक और अच्छी और जॉब अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड